said that I want to come back to India, you will not believe, and this I can never forget, the director of the institute came to my room. Aur main tab kya tha? Sir, 1964 mein, I was just 25 years old. And the director was about 55 or 60. And he said, Ajoy, why do you want to go back? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। और रोजेंडर टॉक्स पर कई बार मैं आप लोगों को कई लोगों से मिलवाता हूँ जिनके बारे में, उनकी रिसर्च और उनके कार्य के बारे में बताता हूँ। बट आज का रोजेंडर टॉक्स का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि डॉक्टर घटक से हम लोग पहले बात कर चुके हैं, काफी विषय पर उनसे चर्चा हुई है। बट आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि रियल डॉक्टर अजॉय घटक है कौन, और उनके बारे में कुछ पर्सनल सवाल उनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर ने किस तरीके से अपनी जर्नी जो है वो जी है, अपनी लाइफ जी है, और किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो काफी सारे पर्सनल सवाल और काफी सारी बातें जो है हम घटक सर से करेंगे, और एक स्पेशल गेस्ट और है इस वीडियो में, आपको उनसे भी मिलवाएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं सबसे पहले घटक सर का और हमारे स्पेशल गेस्ट का। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस रोजेंडर टॉक्स के एपिसोड में। तो आप लोग कैसे हैं सबसे पहले तो ये बताइए। बिल्कुल ठीक है, सो फार सो गुड। मैम आप बताइए। दिस इज व्हाटएवर ही इज सेइंग, आई एग्री। तो ये सेशन जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज घटक सर जो है, वैसे तो हम लोग सर से लेक्चर्स लेते हैं बट आज काफी सारी बातें जो है सर को सुनने को भी मिलेगी क्योंकि मैम साथ में है। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीजें जो है सर के बारे में जो है थोड़ी सी बातें वो मैम से भी जानेंगे। तो सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म सर कहाँ हुआ और आपकी स्कूलिंग कैसे हुई। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ, मेरे नाना जी लखनऊ में रहा करते थे, तो जन्म लखनऊ में हुआ। उसके बाद हम लोग दिल्ली रहे कुछ दिन। सन 46 में हम लोग, हमारे पिताजी एक बहुत बड़ी पोस्ट पर आगरा, तो 46 से 57 तक मैं वहाँ पर रहा। 57 में मैंने BSc पास किया और फिर MSc के लिए दिल्ली। तो BSc मैंने आगरा कॉलेज से किया, बहुत ही अच्छा कॉलेज था उस वक्त, अभी भी है आगरा कॉलेज। आगरा में वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस, आई मेट विद ग्रेट टीचर्स जो हमको इतना प्रोत्साहन देते थे पर्सनल लेवल पर, इसका कोई सीमा नहीं। और उसके बाद हमने MSc किया दिल्ली विश्वविद्यालय से, जहाँ पर हमारे टीचर्स प्रोफेसर DS कोठारी, प्रोफेसर RC मजूमदार, प्रोफेसर RC ओलर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सन 60 में नील्स बोर आए थे, उनका भी भाषण हम लोगों ने सुना। आपने नील बोर सर को लाइव सुना है? हाँ बिल्कुल लाइव सुना है, और उनके साथ एक मेरा फोटोग्राफ भी है, अगर आप चाहें तो मेरा बिल्कुल। ये जो फोटोग्राफ आप लोगों को अब दिख रहा है ना, तो ये सर का नील बोर सर के साथ एक फोटोग्राफ है। तो ये यार बहुत बड़ी बात है, अभी खैर और भी बड़ी बातें खुलासे होंगे। फिर PhD करने के लिए मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में गया। 1963 में हमने PhD की, फिर वहाँ पर पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप किया सन, एंड इन 1964 आई केम बैक। आई वॉज वेरी होमसिक, 4 साल मैं घर नहीं आया था। तो वहाँ पर तो लोग कह रहे थे कि तुम रुक जाओ, क्यों जा रहे हो, लेकिन हमको घर की इतनी याद आ रही थी कि मैं वापस आ गया। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उसके बाद IIT में ज्वाइन किया 1966 में, वहीं से मैंने रिटायर किया 2001 में, फिर इमेरिटस प्रोफेसर रहा। और इमेरिटस प्रोफेसरशिप के बाद से मैं नासी से, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया जो प्रयागराज में है, उससे मैं बहुत क्लोजली जुड़ा हूँ और उसके दिल्ली चैप्टर को मैनेज करता हूँ आजकल। मैम से आप कब मिले?
मैम से मिला मैं 14 या 13 अगस्त 1966 में, सबसे पहले प्रिसाइज होना पड़ेगा क्योंकि मैं भी साथ में तो 66 में मिला। आज हम लोगों की 1967 में जनवरी में हुआ, और लेकिन इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज, वाज एन अरेंज्ड मैरिज बाय आवर पेरेंट्स, एंड सो देयरफॉर अरेंज्ड मैरिजेस आर गुड, आर लॉन्ग लास्टिंग, जो है आजकल जो है सहनशीलता थोड़ी कम हो गई है, तो लेकिन हम लोगों के जमाने में प्रॉब्लम तो रहते ही थे, लेकिन सहनशीलता जो है तो मैम आप भी अपने बारे में कुछ बताएं, आपकी स्कूलिंग कहां से हुई और आपने आपका म्यूजिक में भी काफी इंटरेस्ट है हमने सुना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जन्म तो कलकत्ता में हुआ, फिर उसकी आई स्कूलिंग एंड डन फ्रॉम कलकत्ता, उसके बाद माय फादर वाज ट्रांसफर टू बॉम्बे, सो आई वेंट टू बॉम्बे, वहां पर इंटर साइंस किया, फिर बीएससी किया, फिर आई वाज डूइंग एमएससी, बाय द टाइम दिस प्रपोजल केम फ्रॉम हिज पेरेंट्स और समथिंग लाइक दैट एंड दे वुड नॉट, उसके बाद क्या हुआ, फिर एमएससी कंप्लीट नहीं किया, नहीं कर पाया। द टाइम वाज इन बॉम्बे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग सा सिलेबस था, इट वाज वेरी फार ऑफ एंड आई फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन एनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई वाज फाइंडिंग इट वेरी बोरिंग, मैंने कहा चलो शादी करके देखते हैं क्या होगा, तो बस शादी हो गया यहाँ से तब से, बट इन बिटवीन आई वाज वर्किंग इन स्कूल 20 years आई वर्क in the, it's called Virambika School in Delhi, under Aurobindo Ashram, and I was there for 20 years I was, and then 2 years back, 1 year back I left, I thought it was enough. Yes, yes. That was a very good experience for her and for me also, it was a very peaceful campus hai, ye Aurobindo Ashram ke saath juda hua hai, IIT ke saamne hi hai. So she used to walk down to Virambika. So sir, ये तो था आपके थोड़ी personal life के बारे में, और थोड़ा हम लोग जानते हैं कि आज के time के बारे में आप क्या सोचते हैं। आपको सर हमने देखा है कि काफी आप youth से connect करते हैं और काफी ज्यादा उनसे बातचीत करते हैं, मुझे भी सर आप एक इवेंट में ही ऐसे मिले थे, और मुझे आज भी याद है सर से जो मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें क्या हुआ था कि JIIT में एक सेमिनार था 2017 की बात है, मार्च की, JIIT में एक सेमिनार था, तब हम लोगों ने फोटोज क्लिक करवानी थी, सर ने बोला था कि सेल्फीज तुम लोग नहीं लेते तो आप यूथ से कनेक्ट होते, तो सर इसके बारे में इसके पीछे क्या रीजन है? जैसे मैंने करीब 40 साल IIT में पढ़ाया, सो आई हैव बीन ऑलवेज इंटरैक्टिंग विद यंगर जनरेशन, एंड मेरे 4 years इन यूनाइटेड स्टेट्स हैज इन्फ्लुएंस्ड मी कंसिडरेबली। 4 साल जो मैं रहा तो हमारे जो PhD सुपरवाइजर से लेकर के सब प्रोफेसर्स वो हमको एक मित्र की तरह देखते थे, अपने घर में बुलाना, डिनर खिलाना, कैफेटेरिया में जाकर के कॉफी पीना, तो वहाँ पर जैसे यहाँ पर हायरार्की है वहाँ पर हायरार्की नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो 4 years इन अमेरिका उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर काफी रहा है, एंड जैसे मैं जब वहां से आई सेड दैट आई वांट टू कम बैक टू इंडिया, यू विल नॉट बिलीव एट दिस आई कैन नेवर फॉरगेट, द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट केम टू माय रूम, और मैं तब क्या था,
सन 1964 में आई वाज जस्ट 25 इयर्स ओल्ड एंड द डायरेक्टर वाज अबाउट 55 और 60 एंड ही सेड अजय व्हाई डू यू वांट टू गो बैक. तो ये जो और उसके साथ मेरे कोई रिसर्च पेपर्स भी नहीं थे लेकिन मेरा काम बहुत अच्छा हो रहा था तो मेरा रेपुटेशन अच्छा था तो इसलिए एक डायरेक्टर एक कमरे में आकर के जो बोलना ये मेरा मुझे इतना असर कर दिया. क्या हिंदुस्तान में ऐसा होगा कि कोई वाइस चांसलर जाकर के किसी असिस्टेंट प्रोफेसर से कहेगा कि तुम क्यों इस इंस्टीट्यूट को छोड़ के जा रहे हो. तो ये जो प्रभाव मुझे मिला था तब से मेरे ख्याल से तो यंगर जनरेशन से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और I have learnt a lot from my PhD students. I have learnt a lot. I have guided them, but I have learnt a lot because they are very bright. They are very bright. And I am very, very proud of them. And so I am also very proud of my children. So you can learn. If you realize that you have a lot to learn from the younger generation, and then it is good for the whole society. And तो उसका जो मेन प्रभाव था वो मुझे आई मस्ट से माय 4 years, 3 years एट कॉर्नेल एंड 2 years इन ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी वहाँ पर मैंने इस तरह के ब्रॉड माइंडेड लोगों से मैं मिला. इसका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत था. एंड यू वोंट बिलीव ही फिनिश्ड हिज पीएचडी इन 2.5 years. 2.5 years नहीं हाँ 2.5 नहीं हाँ होने दिन सर. तो सर ये उस टाइम तो काफी पॉसिबल था क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा ब्राइट थे और मेहनत बहुत ज्यादा करते थे उस टाइम सर एक सवाल इसके बाद ये भी है मेरा कि आजकल आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. इन्फॉर्मेशन के माध्यम भी बढ़ गए हैं तो डिस्ट्रैक्शन भी उसके हिसाब से बढ़ा है. डिस्ट्रैक्शन तो बढ़ा ही है. जैसे आपका मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन में तो हर कोई किसी के घर जाओ तो वो हर वक्त उसके मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं और ईमेल मैसेजेस आ रहे हैं. तो दैट इज ट्रू. सो दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन. इंटरनेट फॉर एग्जांपल इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड लेकिन नुकसान भी है क्योंकि अब किताब पढ़ने का किसी को मन नहीं करता है वो सारा इंटरनेट से देख करके. तो किताब पढ़ने का जो आनंद है और जो किताब पढ़ने से जो फायदा होता है तो उसका तो कोई तुलना नहीं है. लेकिन आजकल तो किताब कोई खरीदता ही नहीं है. टेक्स्ट बुक सब यूट्यूब मतलब इंटरनेट पे मिल जाते हैं और अब तुम इस चीज को अच्छी तरह से जानते हो. यू कैन डाउनलोड एनी बुक और बाय एनी बुक और समथिंग लाइक दैट. एंड वो जो किताब पढ़ने का जो आनंद है वो नहीं है. वो बहुतों को मिलता है. अभी भी किताबें बिकती तो है. अभी भी तो अगला सवाल हम मैम से ही पूछते हैं. तो मैम आपने 2-3 बातें बोली उससे मेरा सवाल ये है कि सर जो है वो आजकल हम जैसे यूथ के साथ काफी कनेक्टेड रहते हैं तो वो कनेक्शन जो है वो कितना ज्यादा आपको पसंद आता है और क्या कुछ नापसंद भी आता है इसमें. I would think that he is so hardworking. He would like his children. Our students would be also very hardworking. So I like that. But then here's this thing I feel that it's going to be sometimes there should be a limit because he is teaching and these people are very ready to accept whatever he is teaching. But at the same time, I feel he's also getting old and. Too much of hard work, it's all right, but then it may tell on his health. So that's what my problem is there. Otherwise, I will never tell him that to sit back and do nothing. Of course he will, but then the limit cross-term is also a problem to go eat on that. जैसे आपके लिए चाय तो इन्होंने बनाया है लेकिन आज वो खुश नहीं थी कि आप लोग शाम को इस बात के लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा. लेकिन अब खुश है लेकिन पहले तो ज्यादा खुश नहीं थी कि आफ्टरनून में कितना देर तक वो लोग रहेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा. लास्ट वीक इट्स गोइंग ऑन हर रोज ये तो है. ये
ये तो मैं सोचता हूँ ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आज मैं 20 साल रिटायर हो गया हूँ, आज भी मैं आई एम शॉर्ट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मुझे इतना सारा काम बाकी है, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू फिनिश, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, एंड कितना कर पाऊंगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि अब हमारे बच्चे दोनों बाहर हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो अवे, तो शी हैज मी एंड आई हैव हर, तो घर में तो सो देयरफॉर आई कैन अंडरस्टैंड हर कंप्लेंट्स, आई कैन अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम्स, बट आई ऑल्सो ट्राई टू गिव हर लॉट ऑफ टाइम. My sister also lives near by. Her sister also lives in Gurgaon. They live in Gurgaon. So we go there often. जब वो उनके साथ रहती है तो बहुत खुश रहती है, हमारे साथ रहती है तो ज्यादा खुश नहीं रहती है. ये तो एक्चुअल प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं होता. टाइम का तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट का. No, there is another problem. Problem is he can never say no to anybody. हाँ, ये तो है. ये मैंने सर के बारे में एक चीज देखी है. जब भी मैंने कॉल किया है मुझे ना कभी नहीं मिली. He never says no to anybody. I tell you sometimes you see okay I can go over, so I'll let you know tomorrow or day after the movie. Now you see some अच्छा देख के कैलेंडर निकाला. I said you don't even know whether you have already committed to somebody else. So that is not.